13 जुलाई को खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। इसके अलावा आपको बताएंगे प्लेइंग 11 में बदलाव होगा या फिर नहीं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। शुरुआती 3 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जबकि सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाना है, जो कि शाम 4:30 से शुरू होगा। आपको बता दें, ये मुकाबला शुरुआती 3 मुकाबलों की तरह ही हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। अभी तक भारतीय टीम ने इस सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और दूसरा और तीसरा टी20 मुकाबला जीत लिया है। पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम को 13 रनों से हरा दिया था। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे टी20 मुकाबले में 100 रनों की बड़ी जीत हासिल की थी। तीसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 23 रनों से हरा दिया। अगर हम तीसरे टी20 मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 182 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज एसएसबी जयसवाल ने 27 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली थी। कप्तान शुभमन गिल पहली बार इस सीरीज में अपने रंग में नजर आए। शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक बनाने से चूक गए। ऋतुराज गायकवाड़ 28 गेंदों पर 49 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। 183 रनों के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 159 रन ही बना सकी थी। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। अगर भारतीय टीम चौथा टी20 मुकाबला भी जीत लेती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी। वैसे भी भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और चौथे टी20 मुकाबले में हासिल करते हुए सीरीज निश्चित तौर पर अपने नाम कर सकती है। जिम्बाब्वे टीम की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम ने जहां पहले मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और भारत जैसी मजबूत टीम को मात दी थी, हालांकि उसके बाद जिम्बाब्वे का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। जिम्बाब्वे की टीम भी चौथा टी20 मुकाबला जीतते हुए सीरीज में बने रहना चाहेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 मुकाबले के लिए अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो प्लेइंग 11 में हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वही 11 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं जो तीसरे टी20 मुकाबले में खेले थे। इसका सीधा सा मतलब है कि ओपनिंग में एक बार फिर से एसएसपी जयसवाल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ओपनिंग में अभी तक अभिषेक शर्मा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो तीसरे मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। अब यहां पर शुभमन गिल अभिषेक शर्मा को ओपनिंग में भेज सकते हैं और खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो शुभमन गिल, एसएसपी जयसवाल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आबिद खान और खलील अहमद को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।